नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर ट्रायंगल्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सियम देखा था 7.1, जो कि SAS कॉन्ग्रुएंस रूल था, यानी कि SAS। अगर मान लीजिए एक साइड आपने ले ली और एक एंगल ले लिया दैट इज 60 डिग्री, और ये साइड आपने 5 सेंटीमीटर ले ली, तो आपके फ्रेंड ने भी 5 सेंटीमीटर ले ली और उसने भी यहाँ 60 डिग्री इस तरीके से बना लिया। चाहे तो कंपास से बना ले या किसी भी तरीके से बना लिया, उसने भी 60 डिग्री बना लिया। यहाँ तक करने के बाद आपने इसमें 4 सेंटीमीटर का आर्क कट किया, उससे भी कहा कि वो भी कट कर ले, तो उसने भी 4 सेंटीमीटर का आर्क कट कर लिया। तो अब आपके और आपके फ्रेंड के फिगर में ये हो गया SAS, और फिर कहा कि इसको मिला लें, तो आपने भी मिलाया और फिर उसने भी मिलाया, तो दोनों ने मिला लिया। तो अब आप और आपके फ्रेंड डाउट में हैं कि दैट इज ABC और DEF क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्या आपका और उसका फिगर ओवरलैप करेगा? तो हाँ, बिल्कुल करेगा, क्योंकि साइड एंगल साइड, तो इसका भी एक साइड और एक एंगल और एक साइड, फिर तो मिलाना मिलाना रह गया, तो उसमें तो कोई यहाँ पर कुछ भी फ्लॉ नहीं हो सकता है, तो लैप्सेस नहीं हो सकते हैं। जैसे आप इसको मिला, ऐसे 10 फिगर बना लें, सब एक जैसे होंगे और ओवरलैप करेंगे एग्जैक्टली। तो इसलिए इस चीज़ को हमने एक्सियम में लिया था। तो एक्सियम क्या है? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये एक्सियम है। बट अब हम आते हैं ASA एंगल साइड एंगल, ये दूसरा है। तो इट इज थ्योरम। तो वॉट इज थ्योरम? कि 7.1 इट इज एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, इसमें क्या कहा गया है एंगल साइड एंगल में? तो इसे आप ASA भी लिख सकते हैं, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसमें आप जरा देखिए कि मान लीजिए आपने और आपके फ्रेंड ने दोनों ने यहां पर 4 सेंटीमीटर लिया और आपने यहां 60 डिग्री एंगल उठा दिया और अपने फ्रेंड से भी कहा कि 60 डिग्री एंगल उठा दे, तो उसने भी उठा दिया। तो दोनों ने यहां 60 डिग्री एंगल ले लिया, इसने भी यहां 60 डिग्री एंगल ले लिया। अब आपने अपने फ्रेंड से कहा कि वो यहाँ पे 45 डिग्री एंगल ले ले, तो उसने 45 डिग्री एंगल ले लिया और आपने भी 45, दोनों ने 45 डिग्री एंगल बनाया और इसने भी 45 डिग्री एंगल बनाया। अब जहाँ पे भी ये लाइन कट करती है, मान लीजिए यहाँ कट कर गई, तो कट करने के बाद दोनों का फिगर बन गया ABC। यहाँ से 60 उठाया, यहाँ से 45, उसने भी यही काम किया, 60 उठाया 45, तो दोनों की तो एक ही जगह कट करेगी, तो DEF, तो दोनों का जो फिगर बनेगा आइडेंटिकल बनेगा, क्योंकि एंगल दोनों ने उठाया, सिर्फ कट होगा, तो कट तो एक ही जगह होगा। तो इस तरीके से इसे कहते हैं एंगल साइड एंगल। तो उसको कहते हैं एंगल साइड एंगल, भी एक क्राइटेरिया है। अगर ये तीन चीज से इक्वल पाई जाए तो हम मान सकते हैं कि ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे और इसकी बाकी चीजें भी इक्वल होंगी। सो हम इसे स्टेट करें। सो व्हाट इज थ्योरम 7.1? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, देख लीजिए टू एंगल्स और बीच की जो साइड है उसको इंक्लूडेड साइड कह रहे हैं। टू एंगल्स एंड द
इंक्लूडेड साइड, जबकि पहले वाले में कहा था कि टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, यहाँ देख लीजिए टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, और अब कह रहे हैं कि टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, तो वो SAS का क्राइटेरिया था और ये ASA का है। ऑफ वन ट्रायंगल, ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। यदि किसी एक ट्रायंगल के टू एंगल और इंक्लूडेड साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के इक्वल हो, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यही चीज यहां पर कही गई है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल्स टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। तो अब आपको इसमें गिवेन क्या है और प्रूफ क्या करना है, ये तो थ्योरम हो गई। ये कौन सी थ्योरम हो गई, 7.1। अब इसमें आपको गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है। गिवन है कि टू ट्रायंगल्स ABC, एक ABC दिया है और दूसरा ट्रायंगल दिया है DEF, ऐसे। तो अब देखिए, तो गिवन है ABC और DEF, तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF ये गिवन है, और क्या क्या चीजें दी गई हैं कि B इज इक्वल्स टू E, जो यहाँ B है वो E के इक्वल है, और साथ में C इज इक्वल्स टू F और जो C है वो F के इक्वल है, ऐसा दिया है। सो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। देखो आपको थ्योरम दी रहेगी, ये आपको अपने आप लेना है कि दो एंगल, तो दो एंगल आप दो ट्रायंगल बनाइएगा, दो एंगल ले लीजिएगा और ये दिखाइएगा कि दो एंगल गिवन है, और साथ में ये भी दिखा दीजिएगा कि BC इज इक्वल्स टू EF, क्योंकि वो आपको लेना पड़ेगा तभी तो उसके आगे आप शुरू कर सकते हो। जो उसमें गिवन दे रहा है वैसे ट्रायंगल बना के आप ले लो, एंड BC इज इक्वल्स टू EF, ये चीज हो गई। तो एक साइड भी दे दी बीच वाली, इंक्लूडेड साइड, इसकी इंक्लूडेड साइड उसकी इंक्लूडेड साइड के इक्वल दे दी गई है, इतना आपको दिया गया है। अब आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, इसके कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूफ करना है। अब जरा देखें प्रूफ इसका, तो प्रूफ में तीन केस बनते हैं। प्रूफ में एक केस तो बनता है कि मान लीजिए AB या तो DE के इक्वल होगा या फिर AB बड़ा होगा DE से या AB छोटा होगा। भाई दो साइड्स हैं, या तो आपस में इक्वल हो सकती हैं या ये वाली साइड छोटी हो सकती है इससे या ये वाली साइड बड़ी हो सकती है, तीन ही तो केस बनेंगे। और अगर हमने तीनों केस में ये प्रूव कर दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है तो फिर हमारा ये चीज़ प्रूव हो जाएगा। दो साइड्स या तो इक्वल हो सकती हैं या उसमें से एक बड़ी हो सकती है छोटी, तीन तो केस बनते हैं। तो हम पहला केस ले रहे हैं, केस वन, लेट AB इज इक्वल्स टू DE, ये चीज ले ली। तो अगर AB DE के इक्वल है, ये हमने लेट किया है, और B तो किसके इक्वल है, E के इक्वल, B तो E के इक्वल है, ये हमने लेट किया, और BC किसके इक्वल है, BC इज इक्वल्स टू EF, ये दोनों क्यों इक्वल हैं, ये गिवन है और ये गिवन है।
तो ये हमारा एजम्पशन है, ए बी इज इक्वल टू डी बाई एजम्पशन, या लेट तो कर ही लिया है, बाई एजम्पशन लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो कि हमने ऐसा माना। तो ये केस वन है कि हमने मान लिया पहले कि इक्वल है। तो जरा देखो कि हमने इस पहले केस में मान लिया कि ये साइड इसके इक्वल है, ये मान लिया, तो और ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड तो इसके इक्वल दी ही है, ये तो गिवन है, ये देख लीजिए गिवन है। तो एस ए एस और एस ए एस जो हमारा एक्जियम था, हम 7 पॉइंट एक्जियम लगा सकते हैं कि भाई साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड दो ट्रायंगल के इक्वल हैं, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, तो केस वन में तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। सो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया उसको अप्लाई करा तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये चीज हो गई। तो पहले केस में कॉन्ग्रुएंसी हमारी प्रूव हो गई। अब केस टू लीजिए, तो केस टू में आप क्या ले सकते हैं कि ठीक है इक्वल अगर नहीं होगा तो ए बी ग्रेटर होगा, यही हो सकता है, या छोटा होगा, तो एक केस ले रहे हैं ग्रेटर का कि ए बी इज ग्रेटर देन डी ई, ए बी बड़ा है। सो अगर ए बी बड़ा है और डी छोटा है, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो 3 में से तो 2 कट किया जा सकता है ना, तो हम इसमें कट कर लें ये बड़ा है, तो हम फिर से ये फिगर बना लें, यही फिगर रहेगा, हमें मालूम नहीं है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, मान लो इसे 0.1 सेंटीमीटर बड़ा है, कुछ तो होगा थोड़ा बड़ा, या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा, तो हमने अभी मान लिया बड़ा है। तो अगर बड़ा माना है तो आप क्या करें, इसी फिगर को फिर से बनाएं, तो दैट इज ए बी सी डी ई एफ, ये आपने बना लिया, ये एंगल इसके इक्वल दिया था, ये एंगल इसके इक्वल दिया था और ये साइड इसके इक्वल दी थी, अभी हमने ए बी को बड़ा माना है। अगर ए बी ग्रेटर है सो हम इसमें से डी ई के इक्वल कट कर सकते हैं, तो हमने केस मान लिया, हमने मान लिया कि ये बड़ा होगा छोटा होगा, तो हमने एक बार बड़ा माना, तो इफ ए बी इज ग्रेटर तो बड़ी चीज में से तो छोटी चीज कटी की जा सकती है, मान लो 3 सेंटीमीटर की लेंथ है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो 3 में से तो 2 कट किया जा सकता है, तो हमने इसको मिला लिया, कितना कट किया, ये जो लेंथ हमने कट की है बी पी, सो कट बी पी इज इक्वल्स टू ई डी, यदि ये साइड बड़ी है तो हम बी पी तो कट कर सकते हैं, तो बी पी हमने कट कर लिया ई डी के इक्वल, ऐसा कर सकते हैं, बड़े में से तो छोटी चीज कट करी जा सकती है, तो हमने कट कर लिया, ये लॉजिकल भी है। तो जैसे 10 सेंटीमीटर की लाइन है तो 6 सेंटीमीटर तो उसमें से कट कर सकते हो, तो ये बड़ी चीज है, तो बड़े में से हमने जितनी भी छोटी थी उतना कट कर लिया। अब देखो, अब बी पी ई डी के इक्वल हो गया, तो जो बी पी है वो किसके इक्वल हो गया, ई डी के इक्वल हो गया। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल पी बी सी, इन ट्रायंगल पी बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ इन दोनों ट्रायंगल में ले लो, तो पी बी किसके इक्वल है, पी बी इज इक्वल्स टू, और हमने कट भी किया और ज्वाइन पी सी, ज्वाइन पी सी, जो चीज ज्वाइन करोगे वो डॉटेड होगी, आपका कंस्ट्रक्शन डॉटेड होगा, तो बी पी बी किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल, क्यों इक्वल है, बाई कंस्ट्रक्शन, आपने कंस्ट्रक्ट किया है, आपने उतना कट किया है, तो बाई कंस्ट्रक्शन लिखिए, बाई कंस्ट्रक्शन इक्वल है, तो जो चीज हमने खुद कट की है तो वो चीज तो इक्वल होगी। अच्छा,
तो पहली चीज ये छोटा ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल छोटे को ले रहे हैं पी बी सी और डी ई एफ, तो ये साइड इसके इक्वल हो गई और एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो गया। वो क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि गिवेन है। सो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई। वाई इट इज सो? बिकॉज इट इज गिवेन। सो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, ये गिवेन है। और बी सी किसके इक्वल है? ई एफ, वो भी गिवेन है। ये चीज तो गिवेन ही है। तो अब इस छोटे ट्रायंगल में और इस पूरे ट्रायंगल में हम कह सकते हैं एस ए एस, एस ए एस तो क्राइटेरिया लगाया जा सकता है। तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुवेंसी क्राइटेरिया, एस एस कॉन्ग्रुवेंसी क्राइटेरिया लगा दो तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल पीबीसी, पीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ, तो उसके कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट इज दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो इसकी सीपीसीटी से क्या होगा? इसकी सीपीसीटी से होगा कि पीसी भी छोटे ट्रायंगल का ये एंगल, सो बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी अप्लाई कर दीजिए तो सीपीसीटी से जो हमारा ये छोटा ट्रायंगल आया है ये वाला, ये इसी को तो हमने कॉन्ग्रुएंट किया है, तो ये वाला ट्रायंगल, तो जो छोटा ट्रायंगल आया है तो उसका वो वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हमने कर दिया, क्योंकि एस बाय कंस्ट्रक्शन ए गिवन ये और ये इसके इक्वल, तो एस ए एस, एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो पी सी बी को किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल पी सी बी शुड बी इक्वल टू एंगल डी एफ ई, एंगल डी एफ ई इसके इक्वल होना चाहिए। बट एंगल डी एफ ई किसके इक्वल है बताओ? ए सी बी, क्योंकि पूरा भी तो है तो पूरा तो इक्वल दिया है, तो आपको गिवेन ही था कि पूरा एंगल कि डी एफ ई ए सी बी के इक्वल शुरू से ही दिया था। देख लो ये शुरू से दिया है आपको, ये पूरा एंगल इक्वल है तो उसको भी लिख लें। बट एंगल डी एफ ई किसके इक्वल था? एंगल डी एफ ई इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ए सी बी के भी इक्वल है। ये क्यों है? ये तो गिवन से है कि ये पूरा एंगल पूरे के इक्वल हमने दिखाया, देख लो डी एफ ई ए सी बी के, ये तो गिवन ही था, शुरू से ही गिवन था कि ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल और ये लाइन इसके इक्वल, तो वो भी हमने लिख दिया, ये गिवन था और ये हमारी सी पी सी टी से आया है। तो सी पी सी टी से आया है तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, जैसे मीरा की एज रचना के बराबर और रचना की एज सौम्या के बराबर, तो मीरा की एज सौम्या के बराबर हुई, दोनों की एज रचना के बराबर है इसलिए आपस में उनकी भी एज बराबर हुई। तो इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। सो कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो एंगल पी सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ये चीज पी सी बी ए सी बी के इक्वल हो गया, ये देख लीजिए। तो ये चीज आ गई भाई, ये चीज इसके भी इक्वल है, ये चीज इसके इक्वल है, तो हमारा फिगर क्या है? पी सी बी और ए सी बी ये दोनों एंगल इक्वल हैं, लेकिन पी सी बी तो उसका पार्ट है, एंगल छोटा हो गया, तो छोटी चीज कैसे इक्वल हो सकती है पूरे के? तो जैसे आपको ये चीज दी जाए कि ये पूरा एंगल है और यहाँ पर एक फिगर बना दिया जाए, तो ये है ए बी और सी और ये पी है, तो पी सी बी इतना एंगल है और ये पूरा एंगल है,
तो कोई अगर आपसे कहे कि PC भी AC भी इक्वल है, तो ये छोटा एंगल और ये बड़ा एंगल तो क्या इक्वल हो सकता है? छोटा एंगल बड़े इक्वल गया, ऐसा आ गया है। ये तभी हो सकता है जबकि PA से कोइंसाइड हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए ये एंगल बड़ा होके यहाँ तक आना चाहिए, P को A से मिल जाना चाहिए, तो धीरे धीरे एंगल इंप्रूव कर जाएगा। यानी P और A सेम पॉइंट होंगे तभी होगा ऐसा, क्योंकि ए पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू द होल। जो पार्ट है वो इक्वल के होल नहीं हो सकता है, पार्ट हमेशा छोटा ही रहेगा पूरे से। तो कोई पिज्जा का अगर आप टुकड़ा करो, कह दो ये पूरे पिज्जे के बराबर है, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि एज ए पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू होल, एज पी सी बी इज ए पार्ट ऑफ एंगल ए सी बी, पी सी बी इज ए पार्ट ऑफ एंगल ए सी बी, सो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ पी कोइंसाइड्स विद ए। पार्ट जब होल के इक्वल हो जाएगा तभी यह चीज संभव है कि पार्ट पूरे के बराबर हो। दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ पी कोइंसाइड्स विद ए। यानी इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि पी एंड ए आर सेम पॉइंट्स, पी एंड ए, पी आगे चल के उसी पे मिल जाए, पी एंड ए आर सेम पॉइंट्स, तो सेम पॉइंट्स हैं। अच्छा, हमने केस टू में क्या प्रूफ किया जरा देखिए, ऊपर पी सी बी और डी ई एफ प्रूफ किया है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है कि बट ट्रायंगल पी सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, तो ये है। अब पी और ए सेम पॉइंट है, तो रिप्लेसिंग पी विद ए, रिप्लेसिंग पी विद ए, जब सेम पॉइंट है तो रिप्लेस किया जा सकता है। तो ऐसे ही ट्रायंगल ए सी बी हो जाएगा इस कॉन्ग्रुएंट टू, तो यहाँ पर जो है पी बी सी है, पी बी सी, हमने गलती से पी सी भी लिख दिया है, इसको पी बी सी करें, तो पी बी सी, पी बी सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी सी, तो डी ई एफ। इससे हमें पता चल गया कि हमने जो छोटा माना था वैसा कुछ नहीं था, छोटा नहीं हो सकता था उसे, फिर वो जो छोटा माना, फिर वो पता चल गया कि वो वही पॉइंट है, तो छोटा मानने पर भी छोटा नहीं निकला, उसी के इक्वल निकला है, इसी तरीके से निकल गया कि एंगल सेम है तो वो पॉइंट वहीं पहुंच गया, वो एंगल बढ़ के वहीं पे जाएगा तभी जाके सेम हो सकता है। तो इसलिए सेकेंड केस में भी हमने प्रूव कर दिया कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, यानी फर्स्ट और सेकेंड केस में हमने ये प्रूव कर दिया है। अब केस थर्ड देखो, केस थ्री, तो केस थ्री में क्या है कि अब ए बी इज स्मॉलर देन डी ई, डी ई है वही दोनों ट्रायंगल, लेकिन इस बार मैं क्या ले रहा हूं कि ए बी इज स्मॉलर देन डी ई। ये देखिए ए बी, अब डी ई बड़ा है, जिधर की ओर इसका मुंह खुला है वो बड़ा है, दरवाजा जिधर खुला है, अमीर के लिए दरवाजा खुलता है, गरीब के लिए बंद होता है, तो ये बड़ा है, सो दैट इज डी ई एफ। तो अब डी ई बड़ा है, तो बड़े में से छोटा तो कट किया ही जा सकता है, मान लो ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर तो उसमें कट किया ही जा सकता है, तो अब की इस बार मैंने इसमें से कट किया, जो बड़ा होगा उसी में तो कट करेंगे, छोटे में से तो बड़ा नहीं कट कर पाओगे, तो इसमें अब पी ले लो। और सिमिलरली इट कैन बी प्रूव, दिया क्या क्या था, ये चीज इसके इक्वल दी थी, ये एंगल इसके इक्वल दिया था, और ये पूरा एंगल इसके इक्वल दिया था, तो सिमिलरली बड़े आसानी से ये प्रूफ किया जा सकता है इन दिस केस, कुछ करना नहीं है, इसी तरीके से जैसे यहां कट किया वैसे वहां, सो सिमिलरली लिख दीजिए, दो बार नहीं करना है उसको,
सिमिलरली इन दिस केस इट कैन बी प्रूव्ड, वही सारा काम करते हुए प्रूव किया जा सकता है ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। तो कुछ करना नहीं है, वही फिर से लिख दो जो यहाँ लिखा था पूरा लिख दो, कुछ भी ये सब पूरा छोड़ दो क्योंकि वही काम हमें फिर से करना है। तो ऐसा चलता है, एक बार पूरा करना फिर सिमिलरली करके लिख देना। सो फ्रॉम केस 1, 2 एंड 3 तीनों ही केस में हमने प्रूव कर दिया कि ए बी सी डी ई एफ के इक्वल है। सो फ्रॉम केस 1, 2 एंड 3 फ्रॉम केस 1, 2 एंड 3 इन तीनों से इट कैन बी कंक्लूडेड, इट कैन बी कंक्लूडेड इससे ये कंक्लूड किया जा सकता है कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। तो ये कंक्लूड हो गया, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमारा जो कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया, दिस इज एएसए, एएसए, दिस इज एएसए। तो एएसए कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने इसमें इस्टेब्लिश कर लिया है। तो इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।